नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यहाँ पर। आज हम बात करेंगे यूपी SSSC मंडी परिषद एग्जाम इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी एंड ग्रुप डी एग्जाम के लिए GK का टेस्ट नंबर 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में इस पूरे लेसन में हम बात करेंगे। आपको अपने हर क्वेश्चन का आंसर 5 सेकंड के अंदर यहाँ पर देना। इसके अलावा दोस्तों, मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अन अकेडमी पर फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपको लगातार UP SSSC मंडी परिषद एग्जाम इलाहाबाद हाईकोर्ट ARO इलाहाबाद हाईकोर्ट ग्रुप सी और ग्रुप डी एग्जाम के लिए लगातार मैं अच्छे अच्छे कोर्स वहाँ पर दे रहा हूँ। तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अन अकेडमी पर, मेरा नाम सर्च करेंगे अभिनव सिंह, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए अन अकेडमी का लर्निंग ऐप और वहाँ पर मुझे फॉलो करें, ठीक है। और सभी लेसन का PDF वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है आपके लिए यहाँ पर ये स्टडी मटेरियल। यहाँ पर हम बात करेंगे सामान्य अध्ययन के टॉप के मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों के बारे में। क्वेश्चन पहला, निम्न में से किसने हजरते आला की उपाधि धारण की। आपके पास हर क्वेश्चन का आंसर देने के लिए 3 से 4 सेकंड का टाइम है, ठीक है। शेर शाह सूरी, सिकंदर लोधी, इस्लाम शाह सूरी, बहलोल लोधी। आंसर ए यानी कि शेर शाह सूरी। यानी कि यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि 1529 ईस्वी में बंगाल के शासक थे नुसरत शाह, इनको हराया किसने, शेरशाह सूरी ने, और उसने जो है हजरते आला की उपाधि धारण की। और 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में उसने हुमायूं को हराया और उसने शेरशाह की उपाधि जो है धारण कर ली। आगे हम बात करेंगे हुमायूं का मकबरा बनवाया था। 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है। इस क्वेश्चन का क्या रहेगा सही आंसर, आंसर डी यानी कि हाजी बेगम। यानी कि हुमायूं की जो पत्नी थी हाजी बेगम, उन्होंने अपने पति के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 ईस्वी में करवाया था। क्वेश्चन नंबर आपका है 28, टोडरमल बंदोबस्त संबंधित थी। 4 आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है, मुद्रण से, सैन्य अभियान से, भू राजस्व, चित्रकला। आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कि भू राजस्व। आगे यहां पर हम बात करेंगे भारत के सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणकालीन स्थल हैं। आपके सामने यहां पर 4 आंसर दिया गया है और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन भी काफी आपका महत्वपूर्ण बनता है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए और सी, इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 30, हाल ही में हिंद सरकार की स्थापना की कौन सी वर्षगांठ यहाँ पर मनाई गई है। 74, 75, 76 या 77। आपके सामने यहाँ पर 4 आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी यानी कि 75। यानी कि आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में 21 अक्टूबर 2018 को आज़ाद हिंद सरकार की 75 नंबर का यहाँ पर वर्षगांठ मनाया गया है। 21 अक्टूबर 1943 को नेता सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद सरकार का गठन किया था। आगे हम बात करेंगे किस राजपूत शासक ने जिज मोहम्मद शाही की रचना की। आपके सामने 4 आंसर दिया गया है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है। काफ़ी क्वेश्चन ये आपका इम्पोर्टेंट है और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन बी, ठीक है, सवाई राजा जय सिंह। आगे हम बात करेंगे किसने कहा कि भारतीय मनुष्य की अत्यंत पतित और निकृष्ट नस्ल है। 4 आंसर आपके सामने दिया गया है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन डी आपका रहेगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 33, सन 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति को नियुक्त किया महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, जय नारायण। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा आपको ये बताना है।
तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर ए है इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी यानी कि सुभाष चंद्र बोस। आगे यहाँ पर हम बात करेंगे आपका जो अगला क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत की स्थलीय व जलीय सीमा नहीं लगती है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का क्या रहेगा आंसर, यानी कि यहाँ पर अगर हम बात करें पाकिस्तान, बांग्लादेश और म्यांमार के साथ भारत की स्थलीय सीमा लगती है लेकिन श्रीलंका के साथ नहीं लगती, तो आंसर आपका रहेगा बी। आगे हम बात करेंगे भाबर उस क्षेत्र को कहते हैं। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है, क्या रहेगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी आपका इम्पोर्टेंट बनता है और इसका आंसर नंबर आपका है ऑप्शन बी, जहाँ विलुप्त नदियाँ पुनः प्रकट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 36। यहाँ पर आपको क्या करना है कि वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य को यहाँ पर आपको मैचिंग कराना है, ठीक है। तो पहला आपका है गर्म पानी वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका है असम में। कंचनजंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये आपका है सिक्किम में। किन्नर सानी जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये आपका है आंध्र प्रदेश में। डाम्फा वन्य जीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है, ये आपका है मिजोरम में, ठीक है। तो इन बातों को यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे तो आपका इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आपका क्या रहेगा, यानी कि ए का है सी, बी का है डी, तो सी और डी किस में है, ऑप्शन ए में, ठीक है। चलिए आगे हम बात करेंगे, भारत में कर्नाटक की कोल्लार खान से सोना निकाला जाता है, यह खान की चट्टान पर स्थित है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, आंसर नंबर आपका है ऑप्शन ए, धारवाड़ चट्टान। 38 क्या है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 6 जोड़ता है दिल्ली कोलकाता, कोलकाता मुंबई, कोलकाता चेन्नई या मुंबई चेन्नई। आपका जो सही आंसर है यानी कोलकाता मुंबई। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया 39, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों निम्न में से किस एक महाद्वीप से गुजरती हैं। चार आंसर आपके सामने यहां पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, यानी कि अफ्रीका, ऑप्शन नंबर डी। आगे हम बात करेंगे, नवंबर 2018 में तमिलनाडु में किस चक्रवातीय तूफान के चलते हाई अलर्ट जारी किया गया, गाजा, नीलम, मेकुनु या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि गाजा। आगे हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है गिफेन, गिफेन यानी कि निम्न स्तरीय तथा घटिया माल पर विचार करते समय हमें यह ज्ञात होता है कि घटिया वस्तुओं के लिए आय मांग की लोच होती है, यानी कि ऋणात्मक, ऑप्शन आपका रहेगा बी। सिडबी का मुख्यालय कहाँ पर है, यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सिडबी की स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, लखनऊ में है, ऑप्शन नंबर आपका रहेगा बी। क्वेश्चन 43, बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए कौन सी कमेटी गठित की गई थी। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या रहेगा आपको ये बताना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल्दी से आप लोग यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर अपना देते रहेंगे तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नरसिम्हन समिति। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 44, निम्नांकित में से कौन एक भूमंडलीकरण का अस्त्र नहीं है। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका है ऑप्शन डी, यानी कि आयात लाइसेंस को समाप्त करना। क्वेश्चन नंबर आपका दिया गया है 45, स्टैग फ्लेशन क्या होता है। आपके सामने यहाँ पर चार आंसर दिया गया है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुद्रा स्फीति के साथ मंदी। आगे हम बात करेंगे, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुआ,
तो पहली बैठक कब हुई थी, यानी कि भारतीय संविधान की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। क्वेश्चन नंबर अगला है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। चार आंसर आपके सामने यहाँ पर दिया गया है। आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन या उल्लेख नहीं है, यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है, यानी कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है, इसका संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से, ऑप्शन सी। क्वेश्चन आपका है 50, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन आपका है, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। और अनुच्छेद 58, यानी कि अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए उसके जो योग्यताएं हैं उनके बारे में उल्लेख किया गया है। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। तो ये दोस्तों क्वेश्चन थे आपके 25, आने वाले आपके एग्जाम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी मंडी परिषद और ARO एग्जाम के लिए। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड आपके MCQ हैं और ये आपका है टेस्ट नंबर 3। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा टेस्ट पसंद आया होगा और आप अधिक से अधिक इसको लाइक कीजिए, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपको लेटेस्ट अपडेट वो नोटिफिकेशन हर लेसन का मिलता रहे। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।